Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter of English subject in class 9th. ठीक है, आज हम नया chapter start करें class 9th में. The chapter name is A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind is the chapter name. In this chapter, basically we will study about, we will read the story of the Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सबने पढ़ा होगा. अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या करा था, बहुत ही सारे इन्वेंशंस करे थे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ पर हुआ था, वो कैसे स्टूडेंट थे उनका, किस तरह से उनका जो दिमाग चलता था कौन सी चीज़ में ज़्यादा चलता था और किस तरह से उन्होंने इन्वेंशन करे थे. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो As Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the Germany city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. ऐसा बोला गया है कि जो Albert Einstein है वो किस्मत से ही क्या थे, महान थे. मतलब कि उनको डेस्टिनी में ही क्या मिला था, ग्रेटनेस मिली थी. क्यों? क्योंकि किस तरह से वो कैसे थे, बहुत अजीब ही बच्चे थे. उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, वो किसी से इन्वॉल्व नहीं होते थे, पर उनकी तो भी डेस्टिनी ने इतना साथ दिया. इनफैक्ट उनके टीचर्स जो भी थे वो भी उन लोग को उनको सपोर्ट नहीं करते थे, बट एनीहाउ उनकी डेस्टिनी ने उनको इतना सपोर्ट करा और वो आगे चलकर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और उनको अवार्ड मिला था. ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था. कब हुआ था, 14 मार्च 1879 में हुआ था. और जब उनकी मदर उनको देखती थी तो उनको ऐसा लगता था कि इट इज़ अ फ्रिकी पर्सन. फ्रिकी मतलब ये सनकी बच्चा है, ये कुछ समझता है नहीं, इसको कुछ समझता ही नहीं और कुछ सोचता भी नहीं है. इट इज़ टोटली अ फ्रिकी पर्सन. टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज. क्यों ऐसा लगता था उसकी मम्मा को, क्योंकि बाकी बच्चों के कंपेरिजन में उनका जो सर था, जो उनका हैड था, वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था. एट द एज ऑफ 2 and a half आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग वैन ही फाइनली लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग चॉइस. अब जैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए एंड वैन ही ग्रोड अप टू द 2 and a half years, जब वो ढाई साल के हो गए, तो वो अभी तक क्या था, उनका बोलना स्टार्ट नहीं हुआ था प्रॉपरली. वो क्या करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, और जब वो बोलने की कोशिश भी करते थे तो वो एक ही बात को क्या करते थे, दोबारा बोलते थे. ठीक है, आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो किसी से इन्वॉल्व नहीं होते थे उनको, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि उनके क्लासमेट से या फिर जो उनके साथ में खेलने वाले बच्चे हैं उनसे मैं किस तरह से बिहेव करूँ. इसलिए जो बाकी सारे बच्चे थे वो कैसे बोलते थे उनको, ब्रदर बोरिंग. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. तो जिसकी वजह से वो कैसे थे, फ्रीकी पर्सन थे, ही नॉट इन्वॉल्व एनी वेरी मच विथ अदर पर्सन. और वो कैसे थे, अकेले ही क्या करते थे, खेलते थे. उनका जो भी टाइम स्पेंड करना रहता था वो खेलने के साथ ही स्पेंड करते थे. एंड वो किस में ज़्यादा अपना स्पेंड करते थे, जो भी उनको खेल खिलौने पसंद रहते थे वो मैकेनिकल टॉयज पसंद रहते थे. जो मैकेनिकल वाले हो उस तरह के उनको खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद रहते थे. जब एक बार की बात है, जब उनकी छोटी बहन थी जो कि न्यू बॉर्न बेबी थी, तो वो ऐसा बोल रहे थे मैकेनिकल टॉय से वो ज़्यादा खेलते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि जो छोटे बच्चे हैं वो लोग जैसे हम लोग कैसे चल लेते, तो जो छोटे बच्चे रहते वो भी किसके सहारे से चलते होंगे, व्हील्स के सहारे चलते होंगे. तो वो एक दिन ऐसी बातों में खेलते खेलते बोल रहे थे कि तुम्हारे व्हील्स कहाँ पर है. एंड ये सुनकर उनकी जो मम्मा है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कैसी हो गई थी, शॉक हो गई थी. Then a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब आइंस्टाइन क्या थे, वो ये मतलब ही नहीं रखते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स मैटर ही नहीं कर मतलब ही नहीं रखती थी कि वो किस तरह का प्रोफेशन चूज़ करे. उनकी जो मम्मा चाहती थी वो चाहती थी कि ये क्या करे, एक म्यूजिशियन बने, और म्यूजिशियन में भी जो वायलिन इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको क्या करे, ये बजाए और आगे जाके ये क्या करे, इसमें ग्रोथ करे. और एनी हाउ जब वो 6 ईयर्स के थे, जब आइंस्टाइन 6 ईयर के थे, तो उन्होंने वायलिन बजाना क्या कर दिया था, स्टार्ट भी कर दिया था. और उसको अपनी आगे की लाइफ में भी उसको क्या कर रहे थे, डेवलप भी कर रहे थे. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच.
जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे कैसे थे, वो बहुत ही अजीब से थे, वो किसी से, हम जैसे नॉर्मल चिल्ड्रंस रहते हैं, नॉर्मल पीपल रहते हैं, वो उनसे कैसे थे, बहुत अजीब थे। पर ही इज़ नॉट बेड पीपल, पीपल मतलब कि वो बुरे स्टूडेंट नहीं थे, वो क्या थे, वो आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते थे। प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से वो फिर कहाँ पर पहुँच गए, हाई स्कूल में पहुँच गए थे। और वो हाई स्कूल में जैसे ही पहुँचे थे, आइंस्टाइन फैमिली गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, जब वो 15 महीने के थे, तो जब वो जर्मनी में रहते थे, पहले उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था, व्हेन ही वाज अ 15 मंथ ओल्ड, तो वो वहाँ से उसकी, उनकी जो फैमिली थी वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, जो कि उस जगह का नाम क्या है, म्यूनिख। वो वहाँ पर जाके शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने जो अपनी हायर स्टडी करी थी वो उसी ए सिटी में करी थी। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो हर, उनका जो दिमाग था वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा चलता था, तो वो सारे ही सब्जेक्ट्स में कैसे लेकर आते थे, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आते थे। और आइंस्टाइन जो थे, जो स्कूल में जितने भी रिजिमेंटेशन लगते थे, मतलब जितना भी डिसिप्लिन रहता था स्कूल में, उसको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, हेट करते थे। उनको जो डिसिप्लिन मैनर था स्कूल में, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ऐसा सोचते थे कि ही फेल्ट सो स्टिल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। उनको ऐसा लगता था कि ये स्कूल में अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं सांस भी प्रॉपर नहीं ले पाता हूँ। तो ऐट दी एंड उन्होंने क्या करा, वो स्कूल को क्या कर दिया, उनकी अच्छाई के लिए उन्होंने उस स्कूल को क्या कर दिया, छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू माइलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिख। अब क्या हुआ, जैसे जब वो 15 मंथ्स के थे, जब वो छोटे से बेबी थे, तो उनका जो फैमिली था वो एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल हो गया था। इसके बाद जब उन्होंने हायर स्टडी अपनी पूरी तरह से ख़त्म कर ली थी, उसके बाद भी क्या हुआ था, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स थे, वो म्यूनिख जो सिटी थी, वहाँ से उन्होंने क्या कर लिया था, अलग जगह पर शिफ्ट हो गए थे। पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनको उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर छोड़ा था। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, अब अपने अकॉर्डिंग का जो एजुकेशन लेना चाहते थे, अब वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते थे, क्योंकि उनकी मदर क्या चाहती थी कि वो क्या करे, वायलिन बजाए। पर उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था, वो किससे ज़्यादा इंटरेस्ट थे, मैकेनिकल टॉयज़, जो क्योंकि स्टार्टिंग से भी छोटे से थे, जब से वो किस में इंटरेस्ट शो करते थे, मैकेनिकल टॉयज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना एजुकेशन गेन कर सकता हूँ। तो उन्होंने जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, जो जर्मन स्पीकिंग होती है, उसमें उन्होंने क्या कर लिया, अपना एडमिशन ले लिया। और वो कहाँ पर चले गए थे, हायर एजुकेशन के बाद दूसरी जगह पर चले गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपना एजुकेशन क्वालिफाई करा। देन आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, हमें पता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने फिजिक्स में बहुत सारे इन्वेंशन करे हैं, बहुत सारी थ्योरम वगैरह दी है, तो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग किस में चलता था, मैथमेटिक्स में चलता था और फिजिक्स में चलता था। और जब उन्होंने अपना पूरा स्कूलिंग ख़त्म कर लिया, तो वो आगे की पढ़ाई करने के लिए किस में पहुँच गए थे, यूनिवर्सिटी में पहुँच गए थे, कॉलेज में पहुँच गए थे। और उनकी जो कॉलेज भी स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ज्यूरिख में स्टार्ट हुई थी। But science was not the only thing that appealed to dashing young man with the walrus mouth speech. He also felt a special interest in fellow student Millie Merrick, whom he found to be a clever creature. अब वो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग किस में चलता था, मैथ्स और फिजिक्स में चलता था। तो ऐसा हम लोग की भी खुद की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो साइंस स्ट्रीम का रहता है, जो आर्ट स्ट्रीम का रहता है, उनका जो पर्सनालिटी रहता है वो भी कैसा रहता है, बहुत ही डिफरेंट रहता है। जैसे जो साइंस स्ट्रीम लेता है, उसकी पर्सनालिटी एकदम यंग कूल डूड जैसा रहता है। पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो टोटली कैसे थे, बहुत ही डिफरेंट थे। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो छोटे थे, तो उनका जो सर था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद उनका जो रहने का तरीका भी था, वो कैसा था, बहुत ही फ्रीकी टाइप का था, बहुत ही अजीब स्ट्रेंज भी था। देन द यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। आइंस्टाइन सॉ इन हर एंड अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टिन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। अब जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था हायर एजुकेशन के लिए, जिस यूनिवर्सिटी में वो
थे तो वहाँ पर वो यूरोप का सिर्फ एकमात्र यूनिवर्सिटी था जिसमें कि कोएड लगता था, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ पढ़ सकते थे। और उनकी फैमिली में से सिर्फ वो ही पहले व्यक्ति थे जो कि इस यूनिवर्सिटी में क्या थे, गए थे। देन द कपल विथ होम ही वर्क्स कॉन्स्टेंटली द कपल फेल इन लव लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस रोट आइंस्टीन हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वैन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिव टू विक्टोरियस कंक्लूजन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहाँ पर कि गर्ल्स भी होती थी, मीन्स वीमेंस भी होती थी। तो ऐसा है कि अपने आप को उन्होंने पढ़ाई में भी इतना इन्वॉल्व रखा था, और वो क्या चाहते थे कि जब एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। अब उनका प्रोफेशनल लेवल की बात आई कि जब उन्होंने पूरा हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक भी कम्प्लीट कर लिया था, और उनकी एजुकेशन कब कम्प्लीट हो गई थी, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स में कम्प्लीट हो गई थी। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो जब 21 ईयर्स की एज के थे तब भी वो कैसे थे, बेरोजगार ही थे। तो उन्होंने सिर्फ अपना स्टार्टिंग करियर एम्प्लॉयमेंट में कैसे स्टार्ट करा था, टीचिंग के पर्पज़ से करा था। जब उन्होंने टीचिंग स्टार्ट करी तो क्या करते थे, प्राइवेट लेसन्स जो रहते थे बच्चों उनको देते थे, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेशेंट ऑफिस इन बर्न। उनके जो करियर का स्टार्ट हुआ तो वह टीचिंग से स्टार्ट हुआ था, वो पहले क्या थे, टीचर थे, पर धीरे धीरे एक साल के बाद क्या हुआ, उनको एक टेक्निकल लाइन में उनकी जॉब लग गई जो कि कहाँ पर था, बर्लिन में था। व्हाइल ही वॉज सपोज टू बी एक्सेसिंग द पीपल्स इन्वेंशन आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट। जब उनकी टेक्निकल एरिया में जो उनकी जॉब लग गई थी तो वो देखते थे कि पीपल जो लोग हैं वो कितना इन्वेंशन करते, अलग अलग चीज़ों में इन्वेंशन करते, और वो क्या करते, एक साथ इकट्ठे होकर डिस्कशन करते और उस चीज़ का इन्वेंट करते। पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो क्या थे, वो खुद अपने आइडियाज़ और अपने सीक्रेट्स को सिर्फ अपने तक सीमित रखते थे, और जितना भी इन्वेंशन उनको करना रहता तो वो खुद ही करते थे, वो किसी का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अब उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने इन्वेंशन स्टार्ट करा तो एक न्यूज़पेपर में उनका 1905 में एक पब्लिश हुआ कि जिसमें आइंस्टाइन ने ये एक थ्योरी इन्वेंट करी थी कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो एक जैसे नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. उनका ऐसा भी मानना था कि जो घड़ियाँ हैं वो एक जैसी दिखती ज़रूर है पर वो एक ही समय पर एक जैसा समय नहीं बता सकती है। If they come together again after journey, it one of them has been moving very fast relative to the other. अगर जैसे हमारे पास दो वॉच है, अगर हमको टाइम भी देखना है तो हमें जो एक घड़ी टाइम बता रही वैसा का वैसा एग्जैक्टली टाइम दूसरी घड़ी नहीं बताएगी, ऐसा उनका मानना था। उनका ऐसा मानना था कि जो एक घड़ी का कांटा रहता है वो बहुत तेज़ी से चलता है, और जो दूसरी घड़ी का कांटा रहता है वो उतनी ही कम स्पीड से चलता है, इसलिए जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्युटली इक्वल नहीं है। From this followed the world's most famous formula which describes the relation between mass and energy. जब उन्होंने time और distance का invention करा था तो उसी से पूरा merge होकर एक formula तैयार हुआ था एक mass और energy का, और E equals to mc square किसके द्वारा दिया गया था, this was given by the Albert Einstein. ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या करा था, उन्होंने सबसे पहले इन्वेंशन कब करा था, 1905 में करा था, और किसका करा था, टाइम एंड डिस्टेंस का। व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरैवलिंग। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अब वो तो पूरी तरह से प्रोफेशनल लेवल पर सेट हो गए थे, पर वो किस तरह से, वो पूरा किस में इन्वेंशन करते थे, फिजिक्स में इन्वेंशन करते थे। पर जैसे ही वो फिजिक्स के अपनी जितनी भी जो भी उन्होंने आविष्कार करे थे वो जब इन्वेंट कर रहे थे तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी। बिकॉज ही वॉन्ट टू मैरी विथ दैट गर्ल मैरी विथ वन गर्ल, वो किसी एक लड़की से क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, पर उनकी जो मम्मा थी वो क्या थी, अगेंस्ट थी। बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि अगर एक घर में दोनों इंटेलिजेंट लोग आ जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन द सेम हाउस,
इसकी वजह से इनका क्या, जो उनका प्रोफेशनल लाइफ भी क्या ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था, पर्सनल लाइफ भी क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड टू सन्स, बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉटेड। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, बिकमिंग अन अनहैप्पी हाउसवाइफ। ये थी इनकी पर्सनल लाइफ की। आफ्टर अगेंस्टिंग हर मदर ऑल्सो दे मैरिड विथ ईच अदर, पर कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये जो कपल थे पार्टेड हो गए, बिकॉज जो मैलविया थी उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत एम्बिशियस वुमेन है एंड शी विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन द हाउस ओनली। तो इसी के कारण उनका एक समय पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो करियर लाइफ भी था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो अभी तक हमने क्या देखा, टुडे व्हाट वी डिस्कस, टुडे वी डिस्कस अबाउट द अल्बर्ट आइंस्टाइन, किस तरह के थे, किस तरह के उनका एजुकेशन था और किस तरह वो अपना इन्वेंशन कहाँ पर करना चाहते थे। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।